आपसे गुजारिश करूंगी अगर आप करगिल वाली कविता हमें सुना पाए। ये पहली दो लाइन तय करेंगे कि ये तेवर आप किस मन से और किस हिम्मत से सुनना चाहते हैं। ये आतंकों के गालों पर दिल्ली के चांटे होते, ये आतंकों के गालों पर दिल्ली के चांटे होते, गर हमने दो के बदले में भी शीश काटे होते। हमारे सैनिकों का सर काट के ले गए वो, और हम बातचीत करते रहे। मैंने गजेंद्र से पूछा, मेरा छोटा भाई है लेकिन प्रज्ञा में मैं अपने से बड़ा भाई मानता हूं उसको। मैंने कहा, गजेंद्र हमारे सैनिकों का सर काट के किया क्या होगा पड़ोसी ने? तो गजेंद्र ने बड़ा उत्तर दिया। गजेंद्र ने कहा, भाई साहब उसकी फौज कायर थी, कायर है। 1971 में 93,000 लोग बंदूक डाल दें, इससे बड़ी कायरता का मिसाल दुनिया में नहीं है। आज भी उसकी फौज कायर है। वो शायद अपनी कायर फौज को दिखाना चाहता है कि बहादुर हिंदुस्तानी फौजी बेटे का सर होता कैसा है जो कट तो सकता कभी झुक नहीं। ये आतंकों के गालों पर दिल्ली के चांटे होते, गर हमने दो के बदले में भी शीश काटे होते, बार बार दुनिया के आगे हम ना शर्मिंदा होते, और हमारे सारे सैनिक सीमा पर जिंदा होते। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में, सेना का सम्मान पड़ा है चरमपंथ के चरणों में, किसका खून नहीं खोलेगा सुन पढ़कर अखबारों में, सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए हिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। पीपल छाया मांग रहा है यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है। मैं रोता हूं जब ये कविताएं लिखता हूं, और देखना चाहता हूं आप कैसे सुनते हैं। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता परमेश दिखाई देता है, वे घाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते हैं, सेना पर हमला करते हैं, खूनी फाग मनाते हैं, हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना समझा दो, मेरी लाइन समझ जाओ तो तालियां उठाना, मैं चाहता हूं ये बात मेरी देश सुने। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना समझा दो, ये गांधी के गाल नहीं है उनको इतना बतला दो, ये गांधी के गाल नहीं है उनको इतना बतला दो। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, वो आतंकियों के बरसी मनाएंगे, पाकिस्तान ब्लैक डे घोषित करेगा, आतंकियों की बरसी पर जलसे होंगे, तब सुनना, मैं जोश में पढ़ूंगा, और मैं जानना चाहता हूं मैं जोश में ज्यादा पढ़ रहा हूं या आप जोश में ज्यादा सुन रहे हैं। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, भारत माँ की मर्यादा के मंजर खंडित होते हों, जब कश भारत के नारे हों गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता जलता हो बंदूकों की नलियों में, तो केवल आवश्यकता है हिम्मत की खुददारी की, दिल्ली केवल दो दिन की मोहलत दे दे तैयारी की, सेना को आदेश थमा दो घाटी गैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। जिसको मैं अपनी सबसे अच्छी कविता मानता हूँ, मेरठ में रहता हूँ जहाँ, वहाँ हमारे एक बेटे का पार्थिव शरीर आया था करगिल की सीमा से लौटकर। मैंने शव यात्रा में हिस्सा लिया तो बहुत पीछे था मैं, बहुत भारी भीड़ थी। मैंने एक छोटी सी कविता लिखी, 3.5-4 मिनट की कुल कविता है, और हम आज के दिन जश्न आज़ादी में आज़ादी लाने वाले, इतिहास बताता है कि 7.5 लाख लोगों ने प्राण दिए हैं हिंदुस्तान को आज़ाद करने में, 7.5 लोगों ने। ऐसे ही किसी उस बेटे की मैं कथा गाता हूँ, छोटी सी कविता है, मन से सुनिए।
मैं केशव का पांच जन भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की अमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, विश्व संतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, एक पल का एहसास मेरे साथ जीना। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी याद। और आदरणीय श्वेता जी, मैं आपके चैनल पर स्वीकारता हूं कि मैंने जीवन में केवल एक पंक्ति अच्छी लिखी है, केवल एक पंक्ति का कवि मानता हूं अपने को। आज तक मैंने अपने को दो पंक्ति का भी कवि नहीं माना। आपकी दुआएं चाहता हूं, आज चैनल पर आपका आशीष चाहता हूं कि मैंने ऐसी दो पंक्तियां और लिख ली तो मैं भ्रम पालूंगा कि मैं कवि हो गया हूं। मैं जीवन की सबसे अच्छी कविता इस जश्न आजादी में पढ़ता हूं, सुनिएगा। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथ, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी। दुनिया के किसी भी मजहब में स्त्री अर्थी को कंधा नहीं देती। भरतपुर में एक गाँव है अजान, राजस्थान में भरतपुर के पास, वहाँ का एक बेटा शहीद हुआ वीरेंद्र सिंह। ये कल्पना नहीं है, सत्य घटना है। सेना पार्थिव शरीर लेके गांव आई तो उनकी पत्नी ने, जिनका नाम गायत्री देवी है, सेना के अफसरों की मर्जी के खिलाफ, गांव के लोगों की मर्जी के खिलाफ शादी के दिन के कपड़े पहने और पति की अर्थी को शमशान घाट तक कंधा दिया। ये दुनिया की पहली घटना थी जब कोई औरत अर्थी को कंधा दे। उसके बाद घटनाएं घटी, लेकिन दुनिया के इतिहास की ये पहली घटना है। मैंने केवल एक पंक्ति लिखी है, जो संसार में घटना पहली बार घटे वो तो स्वयं में एक महाकाव्य होती है। मैंने केवल एक लाइन लिखी है, सुनना। जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है। जो अपने पथ की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पथ की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में सिर झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, अंतिम छह पंक्ति सैनिक के शौर्य पर बोलता हूँ। हमको ऐसे ही सुन कहा जाता है, जिस सैनिक के पास AK-56 है, जिस सैनिक के पास AK-47 है, हाथ में है, लोडेड है, वो भी किसी का थप्पड़ खा करके मौन रह जाता है, उस मुल्क की सहिष्णुता को कहीं इतिहासों में वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है। कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है, उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है। चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जश्न आजादी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, आज तक जिंदाबाद। हाँ, बुलाना चाहूंगी, राष्ट्रवादी कवित्री हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर बहुत उनकी एक कविता जो उन्होंने सुनाई
सोशल मीडिया पर वो पंक्तियां बहुत प्रचलित हो गई, इतना कि आपको वर्दीधारी भी वो बोलते हुए सुनाई दिए। तो राष्ट्रवादी कवित्री हैं साध्वी सरस्वती, उनको उनका स्वागत कीजिए। इस उपलक्ष में मंच पे विराजमान सभी कवियों को, सभी वरिष्ठ जनों को मैं नमन करती हूँ कि हम डरते नहीं अड़ुबंबों से, विस्फोटक जलपोतों से, हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़िये से डर सकती सिंहों की औलाद नहीं, भरतवंश के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं। आइटम बम बना करके तुम किस्मत पर फूल गए, 65-71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए। तुम याद करो अब्दुल हमीद ने पेटन टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेटो ने अमरीकी जेट जला डाला। तुम याद करो गाजी का बेड़ा झटके में ही डुबा दिया, ढाका के जनरल नियाजी को दूध छटी का पिला दिया। और आखिरी बात, एक सबसे बड़ी बात कहती हूँ कि अब की जंग छिड़ी तो सुन ले, नाम निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। लाल कर दिया लहू से तुमने श्रीनगर की घाटी को, किस गफलत पे छेड़ रहे तुम सोई हल्दी घाटी को, जहर पिलाकर मजहब का इन कश्मीरी परवानों को, बे और लालच दिखलाकर तुम भेज रहे नादानों को। खुले प्रशिक्षण, खुले शस्त्र, खुली हुई शैतानी है, सारी दुनिया जान चुकी ये हरकत पाकिस्तानी है। बहुत हो चुकी मक्कारी, बस बहुत हो चुका हस्ताक्षेप, समझा दो उनको वरना भभक उठेगा पूरा देश। देश अगर हो गया खड़ा तो त्राही त्राही मच जाएगी, पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगी। क्या होगा अंजाम तुम्हें इसका अनुमान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। आप सभी को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। ये तिरंगा ही तो अपनी पहचान है, ये तिरंगा ही तो अपनी पहचान है, मेरे भारत की लहरात मुस्कान है। और जान से ज्यादा प्यारा तिरंगा हमें ये तिरंगा मेरे देश की आन है, ये तिरंगा मेरे। इसमें तीन रंग भी हैं कि रंग रंगा केसरी क्रांति के नाम पर, शांत रहता धवल शांति के धाम पर, और मन की हरियाली कहता है ये रंग हरा मत बिगाड़ो इसे धर्म के नाम पर, मत बिगाड़ो हमें। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी वो चेहरा जो आपने न जाने कितने वर्षों से देखा होगा, अभिनेता हैं, टीवी कलाकार हैं, लेकिन उससे बढ़कर जब वो देशभक्ति की जुबान से बोलते हैं, जो साहित्य का पुट उनके अंदर है वो ऐसा बिखरता है समा में, अन्नू कपूर जी का स्वागत कीजिए। निसार मैं ए वतन तेरी गलियों में जहां, ये फैज की लाइनें याद आ गई आजिल। निसार मैं तवाफ कहते, तवाफ एक लफ्ज है जिसका मतलब होता है परिक्रमा, आप हिंदू लोग परिक्रमा करते हो ना, उसी तरह मुसलमान तवाफ करते हैं। निसार मैं ए वतन तेरी गलियों में जहां, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। निसार मैं ए वतन तेरी गलियों में जहां, चली है रस्म ना कोई सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तेरा तवाफ को निकले, नजर झुका के चले जिस्म जहां बचा के चले। मैं चार लाइनें समर्पित कर रहा हूं। लेखक का नाम है डॉक्टर राम अवतार त्यागी, कि तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मां तुम्हारा ऋण बहुत है, मां तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन किंतु फिर भी कर रहा इतना निवेदन। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन किंतु फिर भी कर रहा इतना निवेदन।
थाल में लाऊं सजाकर शीश जब कर दया स्वीकार लेना ये निमंत्रण। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन किंतु फिर भी कर रहा इतना निवेदन थाल में लाऊं सजाकर शीश जब कर दया स्वीकार लेना ये निमंत्रण। गान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कणकर समर्पित चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूंगी। आज एक गीत गा के सुनाऊंगा। पासे सभी उलट गए दुश्मन की चाल के अक्षर सभी पलट गए भारत के भाल के सदियों के बाद मुल्क पहुंचा हर बला को टाल के सदियों के बाद फिर से उड़े बादल गुलाल के हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।